गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम हैं गोल्ड कोस्ट में। ये मेरा नया मुस्कान। मैं जा रहा हूँ इंडिया और यहाँ से फ्लाइट जा रही सिंगापुर। फाइनली लैंड होने वाला है सिंगापुर में। ये लॉन्च में मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ। ये लॉन्च है यहाँ पर और सारा यहाँ पे फूड कोर्ट भी है। वो साइड फूड कोर्ट है और बस वाईफाई इधर अनलिमिटेड आ रहा है। 70 Mbps 100 Mbps के करीब इसकी स्पीड है। तो वाईफाई इज़ वर्किंग फाइन। नंबर टू इन ऑस्ट्रेलिया भाई। हम अभी सुबह हो गई। अरे गोप्रो है नहीं वो? आओ भाई लेके जा रहे हैं अपने को बाहर सऊदी फीलिंग। सऊदी हम लोग बोलेंगे हेलमेट हेलमेट नहीं है भाई यहाँ पे। हेलमेट यहाँ है। अच्छा गोप्रो है ना। पढ़ो क्या बोलते हैं असद बाबा है ऊपर हर जगह। इधर असद बाबा रहते हैं। असद बाबा एक लोकल पॉलिटिशियन है जो यहाँ के माइनॉरिटीज के वेलफेयर को ए टू जेड देखते हैं। तो वो ये हाथ बताओ हाथ बताओ। तो चार मीनार की मेन रोड है ये देखो। इधर पत्थर गट्टी है। चार मीनार ऐसा सीधा गए तो चार मीनार मिल जाता। अभी भाई बता रहे थे पांडव वालों का कैसा बिजनेस चलता हैदराबाद में। तो पांडव वालों का मोस्टली क्रेडिट पे चलता बिजनेस और रिलेशंस पे चलता। तो ऐसा कर रहे आ रहे तो दो कोरी चार कोरी तो ये इधर जगदीश मार्केट है। यहाँ पर सबसे बड़ा हैदराबाद का सबसे बड़ा फ़ोन की मार्केट है। यहाँ पे फ़ोन की नहीं फ़ोन यहाँ पर मिलते हैं। कैमरा कवर ये वो सब फ़ोन रिपेयर हर वो चीज़ इधर मिल जाता है। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। और इधर बाइक की पार्किंग ज़्यादा रहती अपोज टू कार की पार्किंग। इधर देखो ये है अपना स्विगी से हमारा डिलीवरी काउंटर भी इधर अलग से बना दिए। इधर अपन ऑस्ट्रेलिया में उबर हिच करते थे ना ऐसे ऐसा लाइन में आके खड़े जाते थे। संडे बोलते हैं ज़्यादा बड़ा देते डाल के क्या कार्ड ऐसे कैसा डिक्लाइन हुआ बताए। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड डिजेबल था उनकी मशीन पे। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो मैं फिर फोन पे करा पेटीएम करा था आ गया। शादी करके हम अरे नहीं नहीं वीडियो में अपडेट देता नहीं जा रहे रेट्रो कार्स अभी एक चीज़ फनी देखा हमें। रेड सिग्नल है इधर। रेड सिग्नल पे ये भी लिखा हुआ है कि डू नॉट जंप रेड सिग्नल। ये देखो डू नॉट जंप रेड सिग्नल मतलब थोड़े सिग्नलों पे जंप कर सकते हैं। हम लोग आए हैं पेड पार्किंग। पेड पार्किंग में यहाँ पे 20 रुपये तो ब्लॉग तो गेमिंग खेलने आए हम लगा। अभी वहाँ से बॉलिंग करके निकल गए। अभी नेक्स्ट अपलोड करना है। हाँ स्पेशल पेजेस पे अपलोड करने के लिए यहाँ पर है ये आर्केड गेम्स और ये क्रिकेट का वगैरह क्रिकेट का यहाँ पर आप सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर की खेल ले सकते हैं। ओपन है तो 150 rupees इज द प्राइस। कम डाउन टू $3। शुरू कर दिया हमें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट। गेज बच्चा जो था दो साल पहले भैया इतना महंगा है डॉलर रुपए में करते थे भैया छड़ी 500 रुपए में मिल रही रुपए को डॉलर में करते थे। अब जा पिंगपोंग वहां पे तुम्हारा एक हफ्ते का जो खर्चा रहता है यहां पे तुम पूरा उड़ा लेके गए थे कुत्ते ने। तो स्वीट की शॉपिंग हो गई अंदर। पिस्ता हाउस से हम लोग ले लिए क्या लिए दो आइटम लिए। बाहर जाने के लिए मैं लिमिट चेक कर रहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की लिमिट। वहाँ पर 10 किलो तक का आप स्वीट प्रोडक्ट लेके जा सकते
लेकिन वहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो डिक्लेयर कर दिए तो वो लोग शायद इंस्पेक्ट करते, मतलब डिपेंड्स ऑन वो अगर करे तो करते, नहीं करे तो नहीं करते। तो इंस्पेक्शन होता, इंस्पेक्शन अगर वो लोग देखे तो रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि जो भी आइटम है आपका सील्ड रहना और मैन्युफैक्चर्ड मतलब वो पैकेज रहना प्रॉपर, लूज नहीं रहना और घर में बनाया ऐसा नहीं रहना, अगर पैकेज्ड है तो लेके जा सकते। लेकिन वो लोग चेक करते, करे तो खुलाए भी तो खुलाते, बट पैकेज रहना सील्ड रहना ये है रिक्वायरमेंट। तो वो रिक्वायरमेंट से अपन यहाँ पिस्ता हाउस में बोले तो वो लोग पैक करके देते प्रॉपर प्रोफेशनली, वो रहता। और उससे हट के मैं बिस्किट्स भी लिया, बिस्किट्स एंड स्वीट्स दो चीज़ें लिया हमें, हमारे फ्रेंड्स को वहाँ पर स्वीट एक पसंद है बादाम की बर्फी, तो वो स्पेशली रिक्वेस्ट करे तो मैं लेके जा रहा हूँ बादाम की बर्फी इंडिया से। अभी बाकी सारा सामान तो हो गया और कुछ भी नहीं है, अभी बस एक शूज़ लेना है और एक बेल्ट लेना है, बेसिक सामान है, बाकी घर में जाके फिर पैकिंग चालू कर देंगे। रोजा लग रहा है इनको, रोजे में है ना, धूप कैसी है देख रहे बाहर, क्या बोलेंगे, चलना पड़ता क्या करते, ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं, और सब मज़े में तो है ना, सब और सब मज़े में, कब आ रहे हैं फिर आप जाके? 6 महीने में आता भैया। कहीं के वास्ते? 6 महीने में शादी है ना, 6 महीने में फिर आके वहाँ दम करने भैया ये भैया वो बोल के फिर दम करने हैं वहाँ। यहाँ से हम ना बेल्ट ले रहे हैं, और कम ब्राउन में है, ब्राउन में है तो ब्राउन रहता, ब्लैक ही आता, लेदर का सालों वहाँ पीछे से हम लोग लेदर का एक बैग और बोलिए क्या बोलते अपना बेल्ट, लेदर का बैग और लेदर के बेल्टा, तीन बेल्टा लिए और एक बैग 1000 rupees कम्स ऑन टू $20। तो भाई पूरे काम हो गए, फाइनल शूज़ लेने जा रहे हैं हम लोग, संतोष नगर पे शूज़ की दुकान है, वहाँ पे जाके शूज़ लेंगे, और यहाँ से सीधा गए तो आया थी शूज़ की दुकान, शूज़ लेना है और HDFC बैंक का ATM का एक्टिवेशन भी करना है, वो भी करेंगे रात में, बट बाकी काम पूरे हो गए, स्वीट स्वीट्स तो ले लिए अपन, नहीं लिए जो भी है देख रहे हैं तो नहीं लिए। ओके हम लोग यहाँ भी दुकान पे आए थे बाजू, दुकान बंद है तो शूज़ नहीं ले सक रहे हैं, भाई को कॉल करें, देखो यहाँ पे नंबर था पीछे इनका, नहीं उठाया इन्होंने फ़ोन तो इनका ग्राहक चले गया। अब वैसे ही हम लोग बैठे हुए थे, रिजवान भाई पलट के आए, देखो वहाँ से अस्सलामुअलैकुम, पहचाने इनको? अच्छा ना को जान तो बाद में बोलो। रिजवान भाई 5 साल पहले आते थे वीडियो भाई लुंगी दाल लेके आए थे ना आप? नहीं बिल्कुल गलत बात है, लुंगी दाल लेके नहीं आए थे, ट्रैक पॉइंट पे थे। नहीं भाई आपका कुर्ता तो बहुत जबरदस्त लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो टोपी लगाए ना, ग्रीन टोपी, आए हाय हाय एकदम, अरे चल जा रहे क्या? अरे कहीं क्यों भाई जाना है, ऐसा रहता था। फाइनल काम पूरा हो गया, अभी बस घर को जा रहा हूँ मैं। ये देखो स्विगी, तो नाउ आई एम बैक इन ऑस्ट्रेलिया। अभी ये काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ये मेरा माई रिटर्न टिकट हुई थी 7 अप्रैल को, मैं यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया में, इट वॉज़ अ वेरी क्विक प्रोसेस। मेरे पास सिगरेट के बॉक्सेस थे, उसकी मैं स्टोरी आपको क्विकली सुना दूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। मेरे पास 2 सिगरेट के बॉक्सेस थे क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे ऑस्ट्रेलिया में, उनको चाहिए था, तो वो 2 पैक्स, ऑस्ट्रेलिया में लीगल लिमिट है 25 सिगरेट्स या 25 grams ऑफ टोबैको, मेरे पास थे 40 सिगरेट्स, तो मेरे को डिक्लेयर करना पड़ा ऑब्वियसली, तो मैं डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास ज़्यादा सिगरेट्स हैं। मैं सोचा कि उनको एक बॉक्स दे देना पड़ेगा, लेकिन फिर मेरे को कस्टम पे ले आया गया वहाँ पर एक स्पेशल काउंटर पे, मैं जो डरा उधर मेरा मतलब चेकिंग होने वाला है जैसा, क्योंकि मतलब है तो कुछ नहीं, लेकिन मैं बोला चेक कर लो, फिर वो पूछेगी
क्या है इसमें, तो क्या क्या टिक करे आप? मैं बोला मेरे पास दो पैक ऑफ सिगरेट्स है इंस्टेड ऑफ वन पैक, जो 25 सिगरेट रह रहा था। तो वो लोग बोले कि आपको पता नहीं है 25 सिगरेट की लिमिट है। मैं बोला कि मेरे को पता नहीं था, अभी मेरे को पता चल गया है। तो वो लोग वार्निंग दे के मेरे को छोड़ दिए। तो सिगरेट मैं दो बॉक्स ले गया, क्योंकि यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगी है, इंडिया में सस्ती है, तो वहाँ से अगर लेके आए तो इधर बहुत ज्यादा डिस्काउंट, मतलब सस्ता पड़ जाता बोल के लोग बहुत ज्यादा लेके आते थे पहले, तो वो लोग लिमिट लगा दिए। ये चीज़ हुई। अब उसके बाद अभी तो ऑस्ट्रेलिया में लाइफ चल रही है अपनी, गोल्ड कोस्ट में हमारा घर है। मैं किसी से मिल नहीं पाया, मैं खुद के रिश्तेदारों से एक ही बार मिला बस, बहुत शॉर्ट टाइम में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं फिर निकल के वापस आ गया। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो चैनल को। एंड टिल देन, स्टे ब्लेस्ड।